हेलो एवरी वन वेलकम टू योर चैनल लर्न इंग्लिश हियर वी आर प्रोवाइडिंग वर्ड मीनिंग्स इन हिंदी प्रोनाउंसिएशन एंड बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर दैट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश डे बाय डे फॉर योर फ्लुएंट इंग्लिश फॉलो आवर चैनल रेगुलरली नाउ लेट्स स्टार्ट टू स्टोरी टू स्टोरी इज द अनब्रेकेबल पॉट अनब्रेकेबल मतलब होता है ना टूटने वाला पॉट्स मतलब होता है बर्तने वंस एक बार देयर देयर का मीनिंग याद रखिएगा सेंटेंस के साथ निकलता है वर्स यानी था अ एक पॉटर पॉटर मतलब होता है कुमार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है ही वह मेड बनाता था ब्यूटीफुल सुंदर अर्थन पॉर्स मिट्टी के बर्तने एंड और हैड था अ एक गुड बिजनेस अच्छा व्यवसाय कुमार मिट्टी के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बर्तन बनाया करता था और उसका बिजनेस भी यानी व्यवसाय अच्छा था बट लेकिन समटाइम्स कभी कभी पीपल लोग यूज टू यूज टू का प्रयोग याद रखिएगा किसी बात का आदि या आदत होने के लिए भी करते हैं साथ ही कोई काम आप पहले करते थे पर अब नहीं करते हो उस बात के लिए भी हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं आइए देख लेते हैं सेंटेंस में इसका मीनिंग किस तरह निकलता है कंप्लेन शिकायत दैट की हिस्पॉट उसके बर्तन ब्रेक टूटना इजिली सहज ही पर कभी कभी लोग उसकी इस बात की शिकायत करते थे कि उसके बनाए बर्तन कई बार टूट जाते थे सो so, इसलिए ही वह प्रेड प्रार्थना किया टू द गॉडेस देवी से एंड सेड और बोला प्लीज कृपया मेक बनाना माई पॉट्स मेरे बर्तन अनब्रेकेबल ना टूटने वाला तो कुमार ने देवी का आह्वान किया उनका प्रेयर किया उनकी प्रार्थना की और कहा कि कृपया आप मेरे बर्तन को न टूटने वाला बना दे आई एम परेशान हो गया हूँ ऑफ हियरिंग सुन के कस्टमर्स कस्टमर मतलब होता है क्रेता या खरीदार कंप्लेन शिकायतें यानी मैं अपने क्रेताओं या फिर खरीदारों के कंप्लेंट्स यानी शिकायतों से परेशान हो गया हूँ द गॉडेस देवी ब्लेस्ड आशीर्वाद दी हिम उसे एंड और सेड बोली एज यू विश जैसे आपकी इच्छा सन पुत्र एंड और शी वैनिश्ड और वो अंतर्ध्यान हो गई या फिर अदृश्य हो गई नाउ अब ऑल द पॉट्स सारे बर्तने ही मे वह बनाता था बिकेम हो गए अनब्रेकेबल न टूटने वाले तो देवी की कृपा से अब कुमार के सारे बर्तन जो है वो अच्छे बनने लगे और वो कभी नहीं टूटने लगे देयर वेर नो complaints, अब और कोई शिकायतें नहीं आई बट लेकिन द कस्टमर्स क्रेता या खरीदार stopped बंद कर दिए बाइंग खरीदना न्यू पॉट नए बर्तने अब चुकी कोई बर्तन टूटने नहीं लगे थे तो अब कस्टमर यानी कि क्रेता भी कोई भी नए बर्तन नहीं खरीदने लगे बिकॉज क्योंकि देयर उनके ओल्ड पॉट्स पुराने बर्तन वेर थे नॉट ब्रेकिंग न टूटने वाले और अथवा गेटिंग डैमेज क्षति होने वाले अब तो उनके कोई भी बर्तन में कोई भी क्षति नहीं होती थी कोई भी नहीं टूटती थी वंस अगेन एक बार फिर द पॉटर कुम्हार प्रेड ईश्वर की प्रार्थना किया टू यानी कि देवी का देवी की प्रार्थना किए सेड और बोले प्लीज कृपया मेक माई पॉट्स मेक बनाना माई पॉट्स मेरे बर्तन एज बिफोर पहले जैसे यानी कि पहले जैसे उसके बर्तन टूट जाया करते थे अब वो दूसरी बार देवी को इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है कि मेरे बर्तन पहले जैसे ही आप बना दीजिए आई विल नेवर गो मैं कभी नहीं जाऊंगा अगेंस्ट विरुद्ध नेचर प्रकृति के नाव यानी मैं आप कभी भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाऊंगा आप जैसे मेरे पहले के बर्तन थे आप वैसे ही मेरे बर्तन पहले के जैसा दोबारा बना दीजिए द गॉडेस देवी फुलफिल्ड पूरा की हैज विश उसकी इच्छा एज जैसा ही वह अंडरस्टूड समझ गया हैज मिस्टेक उसके मिस्टेक यानी कि उसकी गलती जैसे ही देवी को लगा कि अब कुमार को उसकी गलती का एहसास हो गया है तो फिर से देवी ने उसकी इस विश को भी इस इच्छा को भी मान ली वंस अगेन फिर एक बार द पॉटर्स कुमार का यहाँ पे से है, है इसका मतलब का की के का प्रयोग होगा यानी कुमार का बिजनेस व्यवसाय फ्लरिश्ड फलना फूलना एज बिफोर पहले जैसा यानी कि फिर से कुमार का व्यवसाय फलने फूलने लगा जैसे कि पहले था ही हैड लर्न अब वो शिक्षा पा गया लर्न मतलब होता है शिक्षा लेना शिक्षा पाना वेरी वेल well, अच्छे से मतलब अब उसे अच्छे से समझ आ गया शुड एक्सेप्ट थिंग्स चीजों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए एज दे आर जैसे वे हैं. तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है प्रकृति ने हर चीज को एक निश्चित तौर पर ही बनाया है जो हमारे लिए सही है हमें प्रकृति ने जो कुछ दिया है वही सर्वश्रेष्ठ है आशा है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी और आपको इससे कुछ नया भी सीखने को मिला होगा तो कहानी को लाइक करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाए कहानी को अपने जानकारों के बीच शेयर अवश्य करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग